जनपद पौड़ी गढ़वाल में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब पौड़ी जिले के समस्त 6 विधानसभाओं से पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीन लेकर स्ट्रांग रूम पहुंच गई हैं, जहां 4 जून तक 3-लेयर सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा। आपको बता दें कि गढ़वाल संसदीय सीट के 13 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद है, जिसके परिणाम 4 जून को आएंगे। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 945 पोलिंग बूथ पर हुई वोटिंग प्रक्रिया के बाद ईवीएम मशीनों की सील करने की जांचने के बाद स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया है और स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा कर्मियों को कड़ा पहरा दे रहे हैं। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। शांतिपूर्वक हमारा जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई और P+1 पे जो हमारी 170 पार्टीज अभी आनी बाकी हैं, रेस्ट हमारी पार्टीज पहुंच चुकी हैं। देर रात तक भी हमारी पार्टीज आ रही थी और अभी जो स्क्रूटनी का प्रोसेस किया जाना है और पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने जो सीलिंग का प्रोसेस है, आज शाम तक हमारे सारे के सारे असेंबली सेगमेंट के स्ट्रांग रूम सील हो जाएंगे। इसमें 3-tier सिक्योरिटी सिस्टम जो रखा गया है उसमें हम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी आ करके देखने के लिए एक पर्टिकुलर जो मिडिल कॉर्डन है वहाँ पर उनके लिए एक रूम भी रखा जाएगा और उसमें वो कंटिन्यूसली वॉच भी कर पाएंगे और जो स्ट्रांग रूम है उसे लगातार उसका लॉग बुक भी मेंटेन होगा और लगातार ही उसमें हम लोगों की सतर्कता और निगरानी बनी रहेगी।